माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य क्रमसिद्ध प्रसिद्ध नाम है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक हैं। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करती हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौदी का आगमन देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रण रूप में किया जाता है। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य यानी कि सिद्धियों और निधियों विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वो भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। एक वेणी जपाक पूर्णा नग्ना खरा स्थित लंबोष्ठी कणिका करणी तलाभ्यकत शरीरणी वाम पादोल सल्लो हलात्कार कंठ कभूषणाम वर्धन मूर्धवाजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निरसत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है यानी कि गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ पर नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वो सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराध्य योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में सातवें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वोपदेशु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करो। ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्राय नमः। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आपके नवरात्रि बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रहे होंगे और हमेशा होने भी चाहिए। आप प्लीज़ इस श्रेणीवास को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चलती हूँ बोल साचे दरबार की जय।